इंदौर जिले के महू में मुहर्रम जुलूस के दौरान मंदिर के सामने बंदूक और हथियार लहराने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि शहर की शांति को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी मैं प्रवास पर थी, मुझे भी वो वीडियो भी मिले और नागरिक भाई बहनों की शिकायत भी मिली थी। मैंने तत्काल पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया और जो हथियार चलाते दिख रहे थे, लहराते दिख रहे थे, उन पे FIR दर्ज हुई है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है और भी छानबीन चल रही है। जिन लोगों ने अनुमति ली, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि कैसे देश के लिए विभाजनकारी भाषण वहाँ सुनवाए जा रहे थे, या कि DJ की जो क्षमता थी, लोगों ने बताया कि घर में जो मरीज लोग थे उनको दहशत बैठी और पूरे घर कांपने लगे, इतनी अधिक तीव्रता की ध्वनि वाले DJ बज रहे थे। ये बहुत चिंता का विषय है। अभी प्रबुद्ध जनों से भेंट करके मैं एक बैठक अधिकारियों की बुला रही हूँ। एक भी वो व्यक्ति जिसने गलती की है बख्शा नहीं जाएगा। दीदी करीब करीब 15 से 20 जने थे, केवल 2 ही गिरफ्तार हुए। दीदी 15 से 20 जने थे और खूब उद्माद मचाई, कम से कम 3 घंटे चला छूटेगा भैया, और केवल 2 जने जितने दिख रहे हैं सब गिरफ्तार। अखाड़ों की जो अनुमति थी उससे लगभग 2 से 2.5 गुना तक के अखाड़े निकले, प्रशासन ने उसका कोई संज्ञान नहीं है, तो इसमें उसको मैं देख रही हूँ उनके आवेदन। जितने भी आयोजक जो है वो सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि इस देश में सुख शांति को भंग करने की कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर छोड़े जाने वाला नहीं। इस तरीके के और आगे से मार्ग भी तय हो कि कोई जरूरत नहीं है तुमको रुकना और इस प्रकार की हिमाकत करना, ये अक्षम्य अपराध है। पूरी समीक्षा होगी, दंडित होंगे वो लोग जिन्होंने आदेशों का उल्लंघन किया। दीदी क्या मानते हैं, पुलिस का फेलियर भी मानते हैं, क्योंकि देखने में आया था पुलिस फोर्स भी वहाँ मौजूद नहीं था, तो पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की कुछ मांग की जाएगी? जीव में सब देखती हूँ समीक्षा क्या होती है कि काम क्यों इतना उर्दंग कैसे मचा पाए वो लोग, ये चिंता का विषय है और जो कुछ भी इसमें कोई लिप्त होगा वो छूटेगा। दीदी शांति समिति की बैठक में 10 से 12 जने की परमिशन दी गई थी, ये तो मैं भी शांति समिति की बैठक में था, लेकिन कल जो जी में भी था बैठक के अंदर, लेकिन जो जुलूस निकला वो करीब करीब 25 से 30 जन, तो 10 से 12 परमिशन थी, इसके बाद प्रशासन क्या करता रहा? कितनों की परमिशन थी? 10 से 12 8 अखाड़ों की परमिशन थी, उसके बाद 8 अखाड़ों की परमिशन। इस परमिशन के कैसे निकले ये चिंता का विषय। ऐसे आरोपियों पे क्या माना जाए, मामा जी का बुलडोजर चलेगा? मामा जी का बुलडोजर हर उस स्थान पर चलेगा जहाँ धर्म संस्कृति राष्ट्र और मातृशक्ति का अपमान हो, वो हर व्यक्ति वो हर अपराधी कान खोल के सुन ले, एक भी बख्शा नहीं जाएगा। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।